सो गाइस, इतने दिन से जितने पैसे कमाए थे सारे पैसे कर दिए खत्म और ले आया फोन। ये देखो फोन ले आया हूँ, जिम के सारे पैसे खत्म हो गए। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 5 मई 2022 और टाइम हो रहा है 7:35। मैं हूँ अभी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में। कल वाला वीडियो आपने देखा होगा तो मैं गया था हरिद्वार दिल्ली से, तो कस्टमर को मैंने तकरीबन 6 बजे ड्रॉप कर दिया और वीडियो अपलोडिंग पे लगा दी और मैं सो गया। लेकिन वहाँ पे जियो का इंटरनेट नहीं चल रहा था तो मैं तकरीबन उठा 11 बजे देखा तो वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। फिर मैं वहाँ से निकला, हरकी पौड़ी से निकल के, और मैं आ गया सीएनजी पंप पे बड़े वाले पे। फिर वहाँ पे वीडियो अपलोड हुई तकरीबन 12 बजे के आसपास। फिर मैं 1 घंटे वहाँ सीएनजी बढ़ाई आराम करता रहा और 1 बजे निकल गया मैं हरिद्वार से। तो तकरीबन 5 बजे मैं आया हूँ राजनगर एक्सटेंशन आके सो गया 5 बजे और अभी उठा 7:30, 2.5 घंटा यहाँ भी सो लिया और एकदम फिट हूँ, कोई नींद नहीं लग रही, कुछ भी नहीं। तो आज मैंने ओला उबर ऑन कर लिया यहाँ पे आके और ये अबध पैलेस है ना, इसी के सामने खड़ा हूँ राजनगर में। तो ओला उबर ऑन कर ली है, देखते आज कहाँ की ड्यूटी बजेगी। आउट तो बज नहीं रही है ओला उबर में, लोकली बजेगी, बाकी आउट तो पर्सनली देखेंगे कहाँ का मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा सारा कुछ बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे कि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से, गो। टाइम हो गया 10:20 और मैं अभी खड़ा हूँ वहीं पे राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में। सुबह 7:30 से खड़ा हूँ और 10:30 का टाइम होने वाला है, 10:20 हो चुके हैं, अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है और मेरी गाड़ी यहीं खड़ी है, छांव में लगा के गाड़ी में ही बैठा था, मोबाइल वही कमेंट कंप्लीट कर रहा था और इंस्टाग्राम पे काफी मैसेज रिप्लाई करने के लिए पड़े थे, सारे मैसेज मैंने रिप्लाई कर दिए, सारा फिनिश कर दिया फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो अभी मैं सोच रहा हूँ चला जाता हूँ इंदिरापुरम की तरफ, इंदिरापुरम में बजेगी तो बजेगी, 1-2 घंटे देखूंगा फिर पहुंच जाऊंगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अभी तक यहाँ पे ड्यूटी नहीं बजी है, 7:30 से खड़ा हूँ, 10:20 हो चुके हैं, अभी जा रहा हूँ इंदिरापुरम गाजियाबाद में। अगर वहाँ पे देखूंगा 1-2 घंटे नहीं बजेगी फिर चला जाऊंगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो गाइस अगर कोई ड्यूटी आएगी तो अपडेट करेंगे, वरना फिर मिलते हैं इंदिरापुरम पहुँच। सो गाइस टाइम हो गया है 11:20, मैं आ गया हूँ इंदिरापुरम गाजियाबाद सिप्रा मॉल के पास में। यहाँ पे भी आके 15-20 मिनट हो गए, कोई बुकिंग नहीं बची। रास्ते में 1-2 बुकिंग बची थी, वो थी रेंटल की, जो मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता रेंटल की बुकिंग, क्योंकि इसमें कुछ पैसे तो ठीक ठाक मिलते नहीं है। तो और कोई लोकल बुकिंग भी नहीं बज रही, बाहर की नहीं बज रही है, ओला उबर दोनों ऑन कर ली है। तो अभी सिप्रा मॉल के पास में जो खड़े होता है ना वो ये पोहा वाला, तो पोहा ले लिया मैंने, कुछ ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं तो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ 11:30 2 बजे के टाइम पे खाना खा लूंगा, देख लूंगा कि 1-2 बजे तक इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर चला जाऊंगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। वहां से तो काम मिल ही जाएगा और नहीं मिलेगा तो आपको अपडेट करेंगे, देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी मतलब काम नहीं मिलेगा, तो जैसा भी रहेगा आपको अपडेट करेंगे। तो अभी खा लेता हूँ मैं पोहा, मिलता हूँ कुछ देर के बाद में। सो गाइस अभी इंदिरापुरम में ही खड़ा हूँ और आज मेरे फोन ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया, कुछ कह नहीं सकता, हद से ज्यादा परेशान कर दिया, इतना परेशान कभी किसी कस्टमर ने भी नहीं करा। मैं सुबह से फोन में ही लगा हुआ हूँ, कहीं कुछ देख रहा हूँ कहीं कुछ देख रहा हूँ, लेकिन फोन की सेटिंग हो नहीं पा रही है। फोन चलते चलते मतलब कभी वीडियो बनाने लगता है, कभी किसी को कॉल लगा देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, हैंग पे हैंग करा पड़ा है, परेशान हो गया आज फोन से। तो मैंने सोचा अब ले लेता हूँ कोई फोन, तो ओएलएक्स पे देखने लगा, कई लोगों से बात हुई लेकिन रेट नहीं बन पा रहा, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 5,000, कोई 8,000, लेकिन फोन कोई जम नहीं रहा था। तो मैंने कहा 10,000 का बढ़िया फोन मिलेगा तो नया ही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, पैसे एक साथ खर्च हो जाए होने दो, और काम वाम थोड़ा ढीला चल रहा था, अभी 2 दिन से ही सही हुआ था काम, तो मैं फिर नया फोन लेने चला गया। तो मैंने फोन ले लिया है, अब बहुत प्रॉब्लम है, मैं करीब 1.5 घंटे से परेशान हो रहा हूँ। तो मैंने कुछ वीडियो जो फोन लिया था ना तो वो इस फोन में बना रखी है, जो फोन लेके आया हूँ मैंने फोन लिया, पर दिखा देता हूँ कौन सा फोन लिया है। सो गाइस मैंने लिया फोन ये रेडमी का है, नोर्जो 8 करके है कुछ, मुझे पता भी नहीं है। तो ये फोन लिया आज मैंने, और आज बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और कुछ नहीं कह सकते। तो इस फोन में देखो दुकान पे वीडियो शूट करी है, मैं सेटिंग कर रहा हूँ बहुत देर से इसी फोन में, तो सेटिंग हो नहीं पा रही है, पता नहीं कहीं कुछ बता रहा है, फोन को समझने में टाइम लगेगा मतलब इसको। तो मैंने देखो फोन में वीडियो बनाई है वहीं पे दुकान पे, वो मैं आपको अब ये वीडियो में सोच रहा हूँ इस वाले फोन में डाल के किसी एप्लीकेशन के द्वारा शेयर करके और उसमें ऐड कर दूंगा वीडियो में, लेकिन वो हो ही नहीं रही है, बहुत परेशान हूँ बहुत देर से। तो देखो मैं ऐसे ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको।
सुबह से सुबह आया हूँ, जब से कुछ बुकिंग नहीं आई मेरा बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था, तो वो नहीं सही करता रहा सुबह से और स्टोर का तरह नहीं हुआ। सो गाइस ये देखो मैंने वीडियो बनाई है दुकान में, सारा उड़ा दिया लेकिन फोन सही नहीं हुआ, तो अभी मैं आ गया हूँ फोन की शॉप पे फोन लेने के लिए। फोन मैंने पसंद कर लिया और फोन ले भी लिया है, उसी फोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। जो मेरा पुराना वाला फोन था वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही है थोड़ी सी भी। तो अभी मैं आया हूँ शॉप पे, कौन सा फोन लिया, कितने का लिया, सारा कुछ बताऊंगा वीडियो लास्ट तक देखना। और आज के बाद आपको नए फोन से वीडियो मिलेगी मेरी सारी। तो ये 6400 सेक्टर 65-63 के पास में है, वहाँ पे आया हूँ फोन लेने। तो देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा फोन है। शॉप बहुत बड़ी है, ऐसे करके ये छोटे फोन भी है बड़े फोन भी है। और अभी मिलवाता हूँ मैं भैया से, जो फोन यहाँ पे मतलब जिनकी शॉप है भैया। ये है भैया, भैया हाय। भैया कौन सा फोन लिया मैंने? रियलमी फोन लिया है। और ये कितने का है? 14,000 का लिया है। और ये कितना जीबी में है? 4 GB है, 128 GB है, इसमें 64 MP कैमरा है, G95 का प्रोसेसर है, 30 वाट का चार्जर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। सो गाइस ये फोन, मैं तो फोन के बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं, भैया ने बोला कि ये वाला फोन ले जाओ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर ब्लॉगिंग करते हो बढ़िया ब्लॉगिंग होगी। तो आज के बाद आपको इसी फोन से ब्लॉगिंग मिलेगी जिससे मैं अभी कर रहा हूँ। ये मेरा पुराना वाला फोन है Redmi 5 Note 5, तो ये बिल्कुल भी मतलब हैंग कर रहा है बहुत। वीडियो बनाता हूँ कभी स्टॉप हो जाती है, कभी कुछ, कभी गूगल स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है। तो लेना ही पड़ा फोन आज, और आज मैंने ले लिया है। तो अभी फोन ले लिया, भैया को कर देता हूँ पेमेंट 14,000 रुपए कैश में, और फिर जा रहा हूँ यहाँ से इंद्रापुरम। अब देखता हूँ नए फोन पे बुकिंग आएगी नहीं आएगी, सारा कुछ बताऊंगा वीडियो लास्ट तक देखना। अब पहुंचता हूँ मैं इंद्रापुरम, उसके बाद मिलूंगा, कोई बुकिंग आएगी तो अपडेट करूंगा जल्दी, और वरना फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चला जाऊंगा। तो करता हूँ कुछ देर के बाद अपडेट, और भैया को करता हूँ पेमेंट, भैया को बोलता हूँ बाय बाय और थैंक यू, बाय बाय। सो गाइस मैंने ये वाली वीडियो पता है ऐसे क्यों दिखा, ये वाली फाइल मैंने बना ली, इसमें अब ये ट्रांसफर नहीं हो रही उसमें, या तो उस फोन में कमी है या तो इसकी सेटिंग नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वीडियो लेट हो रही। तो मैंने कहा आज आपको थोड़ा बोरिंग टाइप की वीडियो दिखा देता हूँ ऐसे करके, क्योंकि ये फाइल उसमें ट्रांसफर नहीं हो रही, वीडियो तो बढ़िया बनी है इसमें। और ये फोन दिखा देता हूँ मैं, देखो ये है फोन रियलमी का 8 है करके, 8 करके या पता नहीं कौन सा है, रियलमी 8 लिखा हुआ है इस पे। और ये इस पे देखो ऐसा है, मैं कवर निकाल के दिखा देता हूँ, थोड़ी बोरिंग लगेगी सॉरी यार, माफी चाहता हूँ, लेकिन आज से सच कह रहा हूँ मैं बहुत बढ़िया वीडियो बना के दूंगा मैं। वो मैंने फोन 14,000 का ले लिया, ये देखो अये हाय कतई नया नया आए है, अच्छा है ना, बताना कमेंट करके कैसा है। खुश हूँ लेकिन थोड़ा अफसोस है इस चीज का, क्योंकि यार 14,000 रुपए देने पड़े आज बस ब्लॉगिंग के लिए। और इसमें देखो यहाँ पे फिंगर है, अये हाय ये सब मैंने कभी नहीं चलाए इतने महंगे फोन, लेकिन अब ब्लॉगिंग के लिए चलाने पड़ रहे हैं। खुल गया देखो अच्छा लग रहा है, नया नया फोन है, खुश भी हूँ, पैसे खर्च हुए हैं, गम भी है थोड़ा सा। सो गाइस आज मैंने कोई भी काम नहीं करा, पता क्या इस वाले फोन में, अब मैंने थोड़ा फोन रिस्टार्ट वगैरह रिस्टार्ट कर लिया है, तो फोन थोड़ा सही चल रहा है, मैंने वीडियो बनाई लेता हूँ इसमें तो। और इसमें ड्यूटी आ रही तो स्क्रीन इसकी ब्लैंक हो जा रही, मतलब वाइट वाइट हो जा रही थी। और कभी वीडियो बना रहा हूँ तो कभी गूगल स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, कभी यूट्यूब चला जाता है, और कभी कॉल लग जाती है किसी को, मेरे पास कॉल आ रही, भैया कॉल करी थी आपने, मैंने भैया सॉरी जेब पे रखा था गलती से लग गया होगा। 3-4 लोगों का फोन आया मेरे पास, बोले फोन आया आपका, मैंने कहा पता नहीं फोन दिक्कत बहुत ज्यादा कर रहा है। सो गाइस अब मैंने ले लिया है फोन और आज मैंने कोई काम नहीं किया है, टाइम हो गया है 5:45 और अब मैं यहाँ से फोन की सेटिंग करूंगा, तकरीबन जितनी टाइम तक हो जाएगी 7-8 बजे तक, और वीडियो अपलोडिंग पर लगा दूंगा और अब चला जाऊंगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। देखूंगा रात में कहीं बाहर का मिलेगा तो बाहर जाऊंगा, नहीं तो फिर रात को सो जाऊंगा। कल से काम स्टार्ट करूंगा अपने नए वाले फोन से, लोकल में काम करूंगा, तो देखूंगा कल कितना काम होगा नए वाले फोन से, फिर बाहर की ड्यूटी मिलेगी इस पे नहीं मिलेगी, इस देखेंगे इसका बोनी बट्टा कैसा होगा। सो गाइस कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, और इस वाले ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना दोस्तों के साथ में। फोन नया लिया है, अगर आप भी लेना चाहो तो ले लेना इसमें का फोन। फोन में अभी तो नहीं बताऊंगा कैसा है, वीडियो बना लूंगा, वीडियो कैसी आएंगी अच्छी लगेंगी तो बताऊंगा, फिर लेना अभी मत लेना, क्या पता कैसा होगा फोन। सो गाइस इस वाले ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, और लास्ट में यही बोलूंगा, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की ब्लॉग, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।